9.2 एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ पॉइंट्स थोड़े से देख लेते हैं। देखो, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, है ना। अगर कोई भी पैरेललोग्राम है, कोई भी पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो इसका जो डायगोनल है उस वो डायगोनल इसको दो इक्वल एरिया के, ये दोनों जो है ना, ये दो ट्रायंगल्स बनेंगे, इन दोनों का एरिया इक्वल होगा, ठीक है, ये आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, एक तो आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। जैसे पैरेललोग्राम है तो इस पैरेललोग्राम में अगर बेस हम ये वाला लेंगे तो इसका एल्टीट्यूड ये ले लेंगे, अगर हम बेस इसको लेंगे तो एल्टीट्यूड इसके अकॉर्डिंग जो आएगा वो उसको लेंगे, तो बेस इनटू एल्टीट्यूड इसको याद रखना। और थर्ड आप देखें कि इफ़ अ पैरेललोग्राम एंड अ ट्राइंगल आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स देन एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज हाफ द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इसके जैसे हमें पहले हम ये प्रूव कर चुके हैं कि दो पैरेललोग्राम्स जब ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स होते हैं तो दोनों का एरिया सेम होता है, ठीक है। वो कौन सी थ्योरम थी? थ्योरम 9.1 थी 9.1। अगर एक जो पहला वाला है ना, देखो आप एक मैं फिगर देख लीजिए, आप ए बी सी डी एक हमारा पैरेललोग्राम और ए बी क्यू पी एक दूसरा, ठीक है। तो ये दोनों पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं, तो इनके एरिया सेम होंगे, यानी एरिया ऑफ ए बी क्यू पी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी, ठीक है। अब हमें देखना है, अगर मैं ये ट्राइंगल देखूँगी, वो ए बी, ये पी ए बी, ये पी ए बी एक ट्राइंगल है, देखें आप, ये वाला एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल, ये जो पी ए बी ट्राइंगल है इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो ए बी क्यू पी, ए बी क्यू पी एक पैरेललोग्राम है और पी ए बी इसके अंदर एक ट्राइंगल है, तो देखो एक तो पी ए बी इसमें ट्राइंगल होगा, दूसरा होगा बी क्यू पी, तो मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ पी ए बी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ बी क्यू पी, ठीक है, क्योंकि जो डायगोनल है पी बी डायगोनल भी तो है, ए बी क्यू पी का डायगोनल है, ये इसको दो इक्वल ट्राइंगल, इक्वल एरिया के ट्राइंगल्स में डिवाइड करेगा, ये इक्वेशन वन है, ठीक है, ये इक्वेशन वन है, क्योंकि ये थ्योरम 9.1 है कि ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होगा। अब ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल है, बी क्यू पी को एरिया ऑफ पी ए बी हो सकती है, मैं इसको बी क्यू पी की जगह पर यहाँ लिख देता हूँ, 1/2 एरिया ऑफ ए बी क्यू पी, ए बी क्यू पी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये इसका हाफ तो है ही, ठीक है। और मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पी ए बी इज इक्वल टू ए बी क्यू पी की जगह मैं ए बी सी डी भी लिख सकता हूँ, तो 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी डी, यानी ये प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया कि ये जो ट्राइंगल है वो ए बी सी डी जो हमारा पैरेललोग्राम था इसका इसका एरिया इसका हाफ होगा, ठीक है। तो अगर एक ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी ये ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं, तो इस ट्राइंगल का एरिया इस पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा, ठीक है। तो ये आपको देखना है, ये बार बार इसमें आएगा, तो ये तीन चीज़ें याद रखिए, एक तो डायगोनल डिवाइड करता है एक पैरेललोग्राम को दो इक्वल एरिया के ट्राइंगल्स में, दूसरा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, समझ गए, कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड समझ गए आप, कि अगर बेस नीचे ये वाला बेस लेते हैं तो एल्टीट्यूड ये हो जाएगा, और अगर बेस इसको लेते हैं तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो एल्टीट्यूड यहाँ से इसको ऐसे देखें आप, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा ये कि अगर एक पैरेललोग्राम और ट्राइंगल दोनों ऑन द सेम बेस हैं एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, तो जो ट्राइंगल का एरिया है वो उस पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा। तो ये आप ये तीन चीज़ें दिमाग में रखें, और उसके बाद हम 9.2 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स 9.2 का, इन द फिगर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए इज पैरेलल टू डी सी एंड सी एफ इज, दिस इज ए बी, ए इज पैरेलल टू ए, ई इज पैरेलल टू ए बी, इज पैरेलल टू डी सी, ए बी
इज परपेंडिकुलर टू डी सी, ए ई इज परपेंडिकुलर टू डी सी एंड सी एफ, सी एफ इज परपेंडिकुलर टू ए डी। ठीक है, इफ ए बी इज 16, ए बी 16 है, ए ई इज 8 सेंटीमीटर एंड सी एफ इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड ए डी। आपको ए डी फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसमें तो केवल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से आप क्या करेंगे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से बेस इंटू एल्टीट्यूड एक साइड का ले लेंगे, फिर बेस इंटू से दूसरी साइड से ले लेंगे, यानी बेस आप इसको ले लीजिए और एल्टीट्यूड ही हो जाएगा, और फिर दोनों को इक्वल कर देंगे। ठीक है, जैसे पहले लिखें आप एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी हो जाएगा बेस इंटू एल्टीट्यूड। अब यहाँ पर बेस ले लो ए बी है, ए बी इंटू एल्टीट्यूड ए ई, और बेस ए बी दिया हुआ है 16 और ए ई दिया हुआ है 8, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, अब हम दूसरी तरफ से निकाल लेंगे, यानी हम जब क्या है ए डी इज पर सी एफ इज परपेंडिकुलर टू ए डी, तो यहाँ हो जाएगा ए डी इंटू सी एफ। ठीक है, ए डी इंटू सी एफ, ये हो गया हमारा 1, और ए डी इंटू सी एफ का यहाँ पर क्या दिया है, सी एफ दिया हुआ है, तो ए डी इंटू सी एफ कितना दिया, 10 सेंटीमीटर। तो ये फर्स्ट हो गया, इसको सेकंड मान लेते हैं, दोनों ही सेम एरिया हैं, ये दोनों एरिया हैं, तो 1 और 2 इक्वल हो जाएंगे, सो बाई 1 एंड 2 ये हो जाएंगे ए डी इंटू 10 इज इक्वल टू 128, सो ए डी इज इक्वल टू 128 बाई 10, ए डी इज इक्वल टू 12.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से ये ए डी निकल आया। आते हैं सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 9.2 का, इफ ई एफ जी एंड एच आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, शो दैट एरिया ऑफ ई एफ जी एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो इसके अंदर क्या है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, इसमें ई एफ जी एच ये इसके मिड पॉइंट हैं, इनको ज्वाइन करके जो अंदर क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो आपको प्रूव ये करना है कि ई एफ जी एच का एरिया इज हाफ ऑफ दिस ए बी सी डी पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे कि आप देखें H से F तक आप इसको अगर मिला देते हैं, तो हमारे पास दो पैरेलल, एक पैरेललोग्राम और ये ट्रायंगल बनेगा, इसी तरह से ये भी एक पैरेललोग्राम और ट्रायंगल बनेगा। तो फर्स्ट फिगर के अंदर जो HDCF पैरेललोग्राम है और HGF ये ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल और ये HDCF दोनों ही लाइंग ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। तो लिखेंगे पहले से कि लिखेंगे पैरेललोग्राम एच डी सी एफ एंड ट्राइंगल एच जी एफ आर लाइंग ऑन द सेम बेस on the same base and between the same parallels। ठीक है, same parallels, तो area of
एच जी एफ ये होना चाहिए हाफ ऑफ एरिया ऑफ एच डी सी एफ, एच डी सी एफ। ठीक है, ये क्वेश्चन बन हो जाएगी क्योंकि ये हम प्रूव कर चुके हैं कि अगर एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम जो दोनों लाई कर रहे हैं सेम बेस पर और बिटवीन द सेम पैरेलल, तो एक ट्रायंगल का एरिया इस पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होता है, तो इक्वेशन बन हो जाएगी। इसी तरह से इन द सेम मैनर सेकेंड वाले में देखिए, सेकेंड वाला क्या है, पैरेललोग्राम ए बी एफ एच, ए बी एफ एच एंड ट्राइंगल एच ई एफ, एच ई एफ आर लाइंग ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, सेम पैरेलल्स, सो एरिया ऑफ एच ई एफ, एच ई एफ विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी एफ एच। इक्वेशन सेकेंड, अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ऑन एडिंग वन एंड टू, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो जाएगा एरिया ऑफ एच जी एफ प्लस एरिया ऑफ एच ई एफ विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ एच डी सी एफ प्लस हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी एफ एच। तो एच जी एफ, एच जी एफ और एच ई एफ इन दोनों का एरिया मिलाएंगे तो बनेगा एरिया ऑफ दोनों का, हो जाएगा एच जी एफ ई। ठीक है, पूरा एच जी एफ ई का हो जाएगा, या इसे ई एफ जी एच लिखा है, ई एफ जी एच, ई एफ जी एच का एरिया बन जाएगा। और इधर अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो हाफ कॉमन आ जाएगा और अंदर रह जाएगा एरिया ऑफ एच डी सी एफ प्लस एरिया ऑफ ए बी एफ एच। अगर आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आएगा फाइनली एरिया ऑफ ई एफ जी एच विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ, इन दोनों को सम करेंगे तो आ जाएगा ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, पी एंड क्यू आर एनी टू पॉइंट्स लाइंग ऑन द साइड डी सी एंड ए डी रेस्पेक्टिवली ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, शो दैट एरिया ऑफ ए पी बी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ बी क्यू सी। तो देखो, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दिया है, इस पे पी और क्यू दो पॉइंट दिए हैं। अगर आप एक ट्राइंगल देखें ए बी पी, ए पी बी और दूसरा है बी क्यू सी, तो इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल शो करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक बार तो हम लगाएंगे कि ट्राइंगल ए पी बी और ए बी सी डी लाइंग ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, तो इस ट्राइंगल का एरिया इसका हाफ हो जाएगा। सेकेंड लगाएंगे कि बी क्यू सी एंड ए बी सी डी इज लाइंग ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, और फिर इन दोनों का एरिया, ये एरिया ऑफ बी क्यू सी विल बी हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी, और फिर दोनों को इक्वल करोगे तो इन दो ट्राइंगल्स का जो एरिया है इक्वल आ जाएगा। कर लेते हैं इसको, कि पहले ले लेंगे ट्राइंगल ए पी बी एंड पैरेललोग्राम ए बी सी डी लाइन ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, सो एरिया ऑफ ए पी बी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी।
इक्वेशन वन हो जाएगी। इन द सेम मैनर ट्राइंगल बी क्यू सी एंड पैरेललोग्राम ए बी सी डी लाइंग ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स सो एरिया ऑफ बी क्यू सी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी बाई वन एंड टू। एरिया ऑफ ए पी बी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ बी क्यू सी। ठीक है, ये प्रूव हो गया क्योंकि दोनों ही हाफ है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो दिस इज प्रूव्ड। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।